सोनू पानी ला जरा। ये क्या कर रहे हैं आप? लाइट की सीरीज खराब हो गई थी ना, मैंने रिपेयर कर दी है। अभी कोई टेंशन नहीं है, ये देखो चालू हो गया। ओहो क्या मस्त चालू हो गया, एकदम ब्राइट लाइट है। बाबा ये ऐसी गोल्डन जुबिली हो गई है, अब नई राइस क्यों नहीं लाते हैं? वो क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले चालू थी सोनू ये। रुको रुको शुरू हो जाएगी अगली दिवाली तक। और ये क्या, इस साल भी हम यही करने लगाएंगे? हाँ। और पता है बाबा, मेरे सारे फ्रेंड्स एंटिक पीस बोलकर चढ़ाते हैं। किसको, कंदिल को या इनको? बाबा ये ऐसे फट गया है। अरे कहाँ फटा हुआ है? एक मिनट ये पकड़, इनको दिख नहीं रहे ना, हम लोग दिखाते हैं। ये दिखा, यहाँ फटा है। अच्छा ये यहाँ से तो बल्ब अंदर जाएगा ना माधु, ये फटा हुआ नहीं है। फटा नहीं है ना? नहीं 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 जरा फटा नहीं है ना? नहीं। ये क्या, तुमने पूरा फाड़ दिया? पूरा नहीं, पुराना फाड़ दिया है, अब नया ले लीजिए। दादागिरी है। और प्लीज लाइट भी नहीं लेके आना। हाँ नई लाइट की सीरीज लेते, नया कंदील लेते, बोल और क्या क्या चाहिए? बोल बोल, उस चांस से मंगले। और मुझे एक ड्रेस चाहिए, कुछ पटाखे चाहिए और रंगोली के कलर्स चाहिए। बाप रे, रंगोली के कलर्स, नया ड्रेस, पटाखे, दिले। आगे बोलो। लस्सी और लस्सी वो भी मिलेगी। हो खुदाए, मैं तुम दोनों के लिए लस्सी लेकर आई हूँ। ओ क्या बात है यार, लस्सी आई मम्मी, ले ले ले। गोगी, ये क्या मुझे बड़ा ये चाहिए बड़ा वो चाहिए कर रहा है? तने मालूम छे तू कितलो नानो छे? ओए सोनिए, ओ गोगी पुत्र अभी नानो छे, लेकिन ये जब बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत बड़े 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 काम करेगा, और इसीलिए अभी बड़े बड़े पटाखे भी छोड़ेगा। और बोल गोगी पुत्र तुझे और क्या क्या चाहिए? रोशन कल को जाके ये बोलेगा कि मुझे सच्ची मुच्ची का रॉकेट चाहिए। फिर ओ अय्यर प्रा को फोन कर देंगे, वो आगे नासा में फोन कर देगा और हम लोग रॉकेट का ऑर्डर दे देंगे। रोशन तू टटन खेलो चे खेलो। सुनिए जैसा भी हूँ तेरा हूँ भाई गोगी पुत्र, और तेरा प्यो जो है ना अलादीन के चिराग का जिन है, और जो भी फरमाइश करेगा हाजिर हो जाएगा। और तेरे लिए नए कपड़े, नए पटाखे, नए नए खिलौने, जो भी फरमाइश बस बताता जा, सब तेरे लिए आता जाएगा। बस तू बोलता जा, मैं लिखता जाता हूँ, लेके आता हूँ। और पापा तू सीक्रेट है, आई लव यू पापा। और तेरी पापा एक डजन अनार के बहुत ज्यादा है। अच्छा तो ठीक है, ये लड्डू खा लीजिए पापा। एक डजन अनार मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। और पापा तीन डजन जमीन चक्री और उतनी फूल जड़ियां बहुत ज्यादा है पापा। तो ठीक है, ये कचौरी खा लीजिए। कचौरी मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। हंस तुम अपने बेटे से रिश्वत ले रहे हो? कोमल तुम इसे रिश्वत समझ रही हो, और मैं इसे बेटे का प्यार। और वैसे भी दिवाली आ रही है, गोली के मनपसंद की चीजें तो इसे दिलानी पड़ेंगी ना। सही बात है। गोली बेटा एक बात बताओ, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतने छोटे छोटे पटाखे चाहिए? बड़े धमाके वाले पटाखे नहीं चाहिए? नॉइस पॉल्यूशन पापा। ओह मुझे ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों से सख्त नफरत है। वाह गुड गुड। और मिठाई 10-15 किलो काजू कतरी ले आना। ठीक है। क्या, अरे दुकान खोलनी है क्या? अरे कोमल 10-15 किलो में थोड़ी दुकान खुलेगी, वो तो बहुत कम पड़ेंगी। कम ऑन हंस तुम भी ना। कोई बात नहीं बोले बेटा, तुम्हारी दिवाली सिर्फ रोशनी से नहीं मिठास से भी भरपूर होगी। थैंक यू पापा। मॉम डैड मैं खेलने जा रहा हूँ।
अप्पू चला मेरा इंतजार कर रही होगी। बाय। हंस बच्चा है। अरे सब कहाँ चले गए? गार्डन में भी नहीं, कोई एक जगह पे रहता ही नहीं है। इससे तो गोगी भी नहीं डरता। अरे भाई मैं डरता वरता नहीं हूँ, मुझे ये आवाज से नफरत है। वो क्या है ना गोली, तू लेट आया ना, तुझे 21 तोप की सलामी दे रहे थे। हाँ। तू जाना सलामी वाले, तू मिल मुझे। हाय फ्रेंड्स। हाय टप्पू। हाय। हाय। हाय टप्पू। हाय। हाय टप्पू। हाय टप्पू। हाय। ओए टप्पू, तू कितने गया था मंदिर? दादाजी तो प्रसाद लाओगे दो ना। ये गोली, मैं रोज दर्शन करने के लिए मंदिर जाता हूँ, प्रसाद लेने के लिए नहीं। ले, ये तो उदास हो गया। अरे उदास मत हो, सबके लिए प्रसाद लाया हूँ। टप्पू प्रसाद ले। हाँ। जल्दी जल्दी खोल। रुक रुक प्रसाद जल्दी दे। अरे रुक जल्दी दे। अरे 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 गोली। ये ले पिंकू। क्या प्रसाद है? अरे गोली गोली कंट्रोल यार, गोली सबके लिए। सुनो बच्चों, सब लोग दिवाली में फटाके बहुत संभाल के फोड़ना। जी दादाजी। चलो मैं जाता हूँ, तुम लोग खेलो। जी दादाजी। बाय बाय। बाय दादाजी। बाय बाय बाय। इस बार हम सब मिलके फटाके फोड़ेंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा है ना टप्पू? अरे पता है इस बार तो मैं 10,000 की लड्डी जलाने वाला हूँ। वाह वाह भोगी, मेरे पापा बहुत सारे फटाके। हाँ यार बहुत मजा आएगा। वाह अरे बहुत मजा आएगा, मेरे पापा तो रॉकेट भी लाएंगे। एक मिनट टप्पू, क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? फ्रेंड्स, इस बार दिवाली में हम में से कोई फटाके नहीं फोड़ेगा। क्यों टप्पू, इस बार हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे? हाँ अरे हम दिवाली मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, पर टप्पू सेना की स्टाइल में। कैसे? सुनो कैसा लगा आइडिया? बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग पैसे कैसे लाएंगे? हाँ पहले ही मम्मी पापा हम पर दिवाली में इन्वेस्ट करने वाले, वो हमें और पैसे नहीं देंगे। हाँ हमें ठेंगा दिखा देंगे। ऐसे कैसे नहीं देंगे? अरे हमारा भी हक बनता है, उन्हें हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ। बाबा। हाँ। इस दिवाली में मेरे लिए कितना बजट है? ये कैसा सवाल है? ओ जवाब दो, शिक्षक हो आप। लेकिन बजट कितना है जानकर सुनू क्या करेगी? बेटी समझदार हो गई है, बजट के बारे में पूछ रही है, इतना भी नहीं समझते। बाबा सांगा ना, मेरे ड्रेस फटाके और रंगोली के कलर्स के लिए कितना बजट है? यही कोई कुल मिलाकर 2,000 रुपए। 2,000? बाबा आप एक काम कीजिए, वो 2,000 रुपीज आप मुझे दे दीजिए। क्या? आप बोलो, बेटी समझदार हो गई है। बाबा प्लीज, मैं कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस, आप बस पैसे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा। अब बोल भाई गोगी पुत्तर, वो कितने पैसे चाहिए तेरे को? रोशन तू चक्रम थे क्या जैसू? वो सोनी है, तुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, तू रख ले। वो खुदाई मुझे नहीं चाहिए बाबा, तो पिल्ले गोगी को पूछ तो करूं कि पैसा चाहिए क्यों? क्रैक, क्यों चाहिए पाई? दुद्दी वाले के लिए। ओहो हो, और टप्पू सेना के साथ वड्डे वड्डे पटाखे खरीदने जाना है? नहीं। रोशन सुना तूने? हाँ एक बात बता, तू गोगी की हर बात में हाँ क्यों करता है? कभी ना भी तो बोलना सीख, ऐसे तो वो बिगड़ जाएगा। पापा आप मुझे 5,000 रुपए दे रहे हो ना? ओए गोगी पुत्र, और जब भी गड्डी को रिवर्स करते हैं ना, तो आपको देखना पड़ता है कि पीछे गड्ढा शड्ढा तो नहीं है। वैसे ही तुझे अगर पैसे चाहिए तो बताना पड़ेगा कि पैसे क्यों चाहिए। पापा मुझे पैसे क्यों चाहिए मैं ये नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। अरे
तुझे दिवाली के लिए पैसे चाहिए, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल? सही बात है। पापा आप एक दिन में कितने पेशेंट को चेक करते हो? छोड़ो पापा, आप एक पेशेंट की प्रॉब्लम दूसरे को बताते हो? नहीं ना, कॉन्फिडेंशियल रखते हो ना? ए कॉन्फिडेंशियल, तुम्हारा एग्जाम्पल ही गलत है। ये तुम्हारे पापा का प्रोफेशन ऐसा है कि वो एक पेशेंट की प्रॉब्लम दूसरे पेशेंट को नहीं बता सकते। हाँ गोली बेटा, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मानो किसी पेशेंट को मुझसे इलाज कराना है, तो वो कोई बात अपनी कॉन्फिडेंशियल मुझसे रखेगा? बोलो। नहीं। तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल खोलनी पड़ेगी, वरना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। सही बात है। पापा मुझे दिवाली के लिए सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए। सिर्फ? हाँ सिर्फ। 5,000 क्या मांग रहे बेटा? 50,000 मांग। नहीं नहीं, बच्चा बिगड़ जाएगा। 5,000 मांग रहे तो 5,000 ही दीजिए। ए बच्चा बिगड़ जाएगा वाड़ी? वो बच्चा 5,000 मांग रहा है, उसका ताज्जुब नहीं हो रहा है तुझे? ए भाई, तुझे 5,000 तक की गिनती भी आती है? हाँ। तुझे आती है? नहीं। बस तो फिर नहीं मिलेगा। ये क्या, मुझे 5,000 तक की गिनती नहीं आती है, उसमें इसको क्यों पैसे नहीं देंगे? इसको तो गिनती आती है। कल को ये कहेगा मुझे 1,00,000 तक की गिनती आती है, तो 1,00,000 रुपया रोकड़ा निकल के दे दूं इसको? हाँ। नहीं मतलब बराबर कह रहे आप। अरे मम्मी। क्या है मम्मी, ऐसे बच्चों के हाथ में 1,000 रुपया रोकड़ा नहीं दे सकते? पर पापा आज सुबह अपने सामने से कहा था ना। बता टप्पू, तुझे दिवाली में क्या गिफ्ट चाहिए? तो तुझे दिवाली के गिफ्ट में 5,000 रुपया रोकड़ा चाहिए? हाँ। क्यों भाई, 5,000 रोकड़ा रुपया क्यों चाहिए? क्योंकि टप्पू सेना को अपने पैसों से अपने तरीके से दिवाली मनानी है। वाह, अपने तरीके से? हाँ अपने तरीके से। ए अपने तरीके से वाड़ी, टप्पू सेना ये 5,000 रुपयों का एग्जैक्टली क्या करने वाली है वो तू जब तक बताएगा नहीं, तब तक 5,000 तो क्या 5 पैसा भी नहीं मिलेगा। टप्पू के पापा, आइडिया। मैं क्या कहती हूँ, 5,000 नहीं तो 3,000 देते हैं। दो टप्पू की वकील, तो क्या साग भाजी लेने आई है? भावताल कर रही है? बापूजी कहाँ? बापूजी तो उनके यंग ओल्ड मित्र मंडल के साथ गए। कोई बात नहीं, आने दो बापूजी को, फिर तेरी खैर नहीं। मतलब आप मुझे पैसे नहीं दोगे? तुझे कोरे कागज पे लिख के दू, नहीं दूंगा। ठीक है पापा, टप्पू सेना भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, हम तो पैसे लेकर ही रहेंगे। इतनी दादागिरी, ये कुंवर अभी क्या गुल खिलाएगा? उससे अच्छा 5,000 दे दिए होते तो। क्या हुआ फ्रेंड्स, पैसे मिले? नहीं, मुझे पता ही था ऐसा ही होगा। अरे सबको पैसे देने से पहले कारण जानना होता है, क्यों चाहिए? कारण बता दे। नहीं गोली, कोई जरूरत नहीं है। अरे हम उनकी हर बात पे विश्वास करते हैं, तो वो हम पर इतना विश्वास नहीं कर सकते? हाँ। टप्पू तू कुछ भी बोल, हम सबके मम्मी पापा की सोच एक जैसी है, वो हमें पैसे नहीं देंगे। हाँ छोड़ यार। नहीं गोली, टप्पू सेना ऐसे यार नहीं मानती, हमें हमारे मम्मी पापा पर पैसों के लिए प्रेशर डालना ही होगा। मतलब हमें गुगली बॉल डालना पड़ेगा? करेक्ट, मतलब हमें क्रिकेट खेलना पड़ेगा? नहीं गोगी। गोगी तो सिर्फ इतना याद रख, हमें मम्मी पापा के पास से पैसे लेने हैं। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, आज के आज हमें मम्मी पापा के पास से पैसे लेने ही है। ये क्या है? लोन एप्लीकेशन।
डियर बाबा आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रैंड अ लोन ऑफ रुपीज 2000 विच आई शैल रिपे आफ्टर सम टाइम योर्स लविंगली सोनू। हाँ काय प्रकार है? मुझे 2000 रुपए का लोन चाहिए। सोनू कैसी जिद है बेटा ये? दिवाली के पहले ही फटाके फूटना शुरू हो गए हमारे घर में। सोनू पैसे नहीं मिलेंगे। पर क्यों? एक मिनट, अगर मैं तुम्हें 2000 रुपए का लोन दे भी देता हूँ तो तुम चुकाओगे कैसे? फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का ट्यूशन लेकर। क्या घर में ये कॉम्पिटिशन है? एक मिनट, सोनू अगर तुम ट्यूशन लोगी तो तुम्हारी पढ़ाई कौन करेगा? मैं? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई बराबर कर लूंगी। ओहो अच्छा ठीक है, अगर आप पढ़ाई बराबर करेगी मान लेता हूँ, मैं आपको पैसे भी दे देता हूँ। तो लोन में ना एक गारंटर चाहिए होता है, तो आपकी गारंटी कौन लेगा? आई नहीं। आई क्लास गारंटर ने तो मना कर दिया। इन दैट केस आई एम वेरी सॉरी सोनू, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। गोली क्या कर रहे हो? पिगी बैंक तोड़ रहा हूं। स्टॉप इट, मत तोड़ो उसे। तो चाबी दो। नहीं बेटा उसमें 3000 रुपए नहीं निकलेंगे। चलेगा, जितने भी है मेरा है ना। पर दिए तो हम नहीं है ना बेटा। ऐसा है तो अब देखो गोली का सत्याग्रह। क्या करेगा तू? अब दिवाली में मेरे लिए मिठाई लाओगे ना? अरे लेने वाले हूँ क्या बेटा, देखो इतनी सारी लाके रखी है। उसमें से मैं एक भी मिठाई नहीं खाऊंगा। पापा आप सिर्फ खाते हुए मुझे देखते रहना, लेकिन उसमें से मैं एक को भी टच नहीं करूंगा। कोमल रिलैक्स, हंस नाटक कर रहा है, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है ये। पापा आप सिर्फ 3000 रुपए के लिए मुझे मिठाई से दूर रखोगे? क्या अकेले खा पाओगे? जवाब दो पापा, जवाब दो। इनफ गोली, बहुत हो गया, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। और हाँ पहले कमाना सीखो और फिर ये होशियारी मारो। कैसे कमाएंगे? हम लोग तो अंडर एज है ना, गवर्नमेंट मना करती है। क्या कहा? कुछ नहीं। ओए पापा आप मेनू पैसा ऐसे नहीं दोगे ना? नहीं। ठीक है पापा, मुझे अभी के अभी गैराज ले चलो। इतनी रात को किधर जाएगा? हाँ दिन या रात मैं पूरा दिन गैराज में ही रहूंगा, मेहनत करूंगा, पूरा वेकेशन मैं गैराज में ही काम करूंगा, पसीना बहाऊंगा और आप दोनों के पैसे चुकाऊंगा। ओ पुत्र जी ये उम्र आपके काम करने की नहीं है। पापा मैंने तो हर इंसान को करनी पड़ती है। ओ पुत्र जी आपकी इतनी वड्डी वड्डी बातें सुनकर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है यार। ओ रोशन वो अब क्या करें? हो कुडाई रोशन, तू टड्डन इमोशनल हो रहा है। मेरी माधवी भाभी, दया बेन और कोमल भाभी टंडों से बात हुई है, कोई भी अपने बच्चों को पैसे नहीं दे रहा। आता का है? आता का है क्या है? मुझे पूरा यकीन है माधवी, ये पैसे मारने का रॉकेट है ना, ये गड़ा फैमिली के घर से ही छूटा है। क्या अभी? सोनू बेटा मान जाओ ना बेटा। नहीं नहीं माधवी ये ऐसे नहीं मानेगी, ऐसा निकला था लावारस लगे। मैं सोड़ी को फोन करता हूँ। ओ बोल पिड़ो, ओ चंगा है, और क्लासेस कैसे चल रही हैं भाई? अरे भाई सोड़ी दिवाली का वेकेशन चल रहा है ना अभी। अरे हाँ, ओ चार पापड़ की डिलीवरी कैसे चल रही है भाई? हाँ माणूस मतलब बोलालस देत नहीं, तू मेरी बात सुनेगा मेरे भाई प्लीज? ओ कमाल करता है पिड़ू, ओ यार तेरी बात नहीं सुनूंगा तो किसी गैर की बात सुनूंगा। बोल मुझे एक बात बता, ये गोगी ने तुम्हारे पास अभी थोड़ी देर पहले कुछ पैसे वैसे मांगे? माला पिड़ू तो तू सीआईडी में कब से काम करना शुरू हो गया? और तुझे कैसे पता कि गोगी पैसों की डिमांड कर रहा है? अरे पूरे टप्पू सेना की डिमांड एक जैसी ही होती है, और इन सब का सूत्रधार कौन होता है? टप्पू। तू एक काम कर, जल्दी से जेठा के घर पे आ जा,
और आते वक्त हाथी भाई को भी बोल दे। और ठीक है, ये रोशन सिंह की गड्डी अब हाथी प्रा को पिक करते हुए ही आएगी। चंगा लीजिए, बारात लेके रवाना हो गए हैं भिड़े जेठालाल के घर की ओर। अब बैंड बाजा तो बजेगा, बैंड बाजा बजेगा जेठालाल के घर। भाई मेरे मित्र जेठालाल की किस्मत भी ऐसी है कि बिना जलाए पटाखे फूट जाए, किसी की किस्मत ऐसी होती है साहब। अब वहाँ क्या होगा, आपको क्या लगता है जब ये बारात पहुंचेगी तो क्या क्या हो सकता है? ये फौज जब वहां पहुंचेगी तो हंगामे तो होंगे। क्या बच्चे बताएंगे कि उन्हें पैसे किस लिए चाहिए? और भिड़े और जेठालाल अगर भिड़ेंगे तो क्या होगा? भाई होगा मजा वैसा ही जैसा पटाखों को छोड़ते वक्त आता है। रॉकेट, अनार, फुलझड़ियां, जितने पटाखे आप सोच सकते हैं उतने पटाखे छूटने वाले हैं। यानी कि हंसी के पटाखे ही पटाखे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।